नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाले 1.5 किलोमीटर लंबी दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है। आने वाला समय शानदार और जानदार होना तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिनों पहले भारत ने कोविड-19 के लिए 2 मेड इन इंडिया के टीके को मंजूरी दी है। इसने भारतीयों को नए सिरे से आत्मविश्वास प्रदान किया। आज हर भारतीय का आह्वान है कि हम ना रुकेंगे ना थकेंगे। आज या शुक्रवार से कोरोना वैक्सीन पहुंचने का काम शुरू हो जाएगा। वैक्सीन के परिवहन के लिए सरकार ने यात्री विमानों को भी अनुमति प्रदान की है। देश भर में 41 गंतव्यों को टीके के वितरण के लिए अंतिम रूप दिया गया है। उत्तर भारत के लिए दिल्ली और करनाल मिनी हब बनेंगे। पुणे को केंद्रीय केंद्र बनाया गया है, जहां से टीके का वितरण किया जाएगा। पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता हब होगा। वहीं पूर्वोत्तर के लिए एक नोडल बिंदु बनेगा। दक्षिणी भारत के लिए चेन्नई और हैदराबाद को नामित किया जाएगा। टीकाकरण की तैयारियों को लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राई रन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ में हाल ही में कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है। हमें सावधानियों को नहीं भूलना चाहिए। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जारी रखना होगा। आज भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल की घोषणा कर दी है। भारत बायोटेक के अनुसार इस चरण के लिए कई वॉलेंटियर्स ने नामांकन किया है। बता दें कि तीसरे चरण का ट्रायल पूरा किए बिना ही केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी थी। शुक्रवार को होने वाली 9वें दौर की बातचीत से पहले आंदोलनकारी किसान ने शक्ति प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर लेकर किसान सड़कों पर आ गए। ये ट्रैक्टर रैली कोंडली, मानेसर, पलवल के MP एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली की ओर कूच की। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर से किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच किया। इसमें यूपी के कई जिलों के किसान शामिल रहे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही, जिसके कारण किसान दिल्ली में नहीं घुस सके। दिल्ली के सिंगू बॉर्डरों से किसानों का एक जत्था पलवल की ओर निकल पड़ा। ट्रैक्टर मार्च के कारण 15 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। इससे KMP एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। रूट डाइवर्ट होने के कारण पुलिस ट्रैफिक को नियंत्रित करने में जुटी रही। विश्लेषक ट्रैक्टर रैली को सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ले रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने ऐसे ही संकेत दिए। सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि मोदी सरकार 133 करोड़ लोगों की आवाज़ सुने बिना षड्यंत्रों के तहत द्वयम दर्जे का काम कर रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम सरकार को चेतावनी देने के लिए ये रैली निकाल रहे हैं। 26 जनवरी को हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हम मई 2024 तक आंदोलन के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी और किसान आंदोलनों को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर बड़ी संख्या में किसान जमे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या किसान कोरोना संक्रमण के प्रसार से सुरक्षित हैं। अब भारत को एक अलग तरह की कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। ये कोरोना किलर नेजल स्प्रे होगी। इसे नाक के जरिए लगाया जा सकेगा। इसके बाद इंजेक्शन वाली वैक्सीन की जरूरत नहीं रहेगी। भारत बायोटेक नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल करेगा। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसे गुजरात के जामनगर से पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान मनोज डोडिया के रूप में हुई है। बता दें कि आरोपी ने मेयर के मोबाइल पर फोन कर धमकी दी थी। अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त सत्र में बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने सत्र के दौरान औपचारिक रूप से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर मुहर लगा दी है। साथ ही दोनों पदों पर बाइडेन और कमला हैरिस के निर्वाचन की पुष्टि कर दी है। अब 20 जनवरी को जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी हार स्वीकार करते हुए सत्ता के व्यवस्थित हस्तांतरण की बात कही है। आज भी जम्मू कश्मीर हाईवे बंद रहेगा। मौसम विभाग ने खतरनाक बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद प्रशासन ने पर्यटकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में मौसम की मार से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बारिश और बर्फबारी के कारण कई सड़कों पर यातायात बाधित है। घाटी में जल स्रोत जमने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर हाईवे पर गुरुवार को भी वाहन नहीं चलेंगे। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी सापूरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने सबसे कम बोली लगाई है। कंपनी ने 477 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। ब्रिटेन ने कोरोना टीकाकरण के लिए मिक्स एंड मैच योजना को मंजूरी दे दी है, जिसने विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्रिटेन में कहा जा रहा है कि अगर किसी वैक्सीन की दूसरी डोज उपलब्ध नहीं होगी तो ऐसी परिस्थितियों में वैकल्पिक टीका लगाया जाएगा।
कॉमेडियन कपिल शर्मा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने समन जारी किया, उन्हें बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। बता दें कि कपिल से कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया के कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में पूछताछ होनी है। हिमाचल के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बर्धमान टेक्सटाइल पर कार्रवाई की है। बोर्ड ने कहा है कि बद्दी में बर्धमान टेक्सटाइल की 3 इकाइयां हैं, इनमें कपड़ों की रंगाई का काम होता है, इससे प्रदूषण फैल रहा है, इसलिए इन इकाइयों पर आंशिक रोक लगाई गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बड़ा बयान दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति किसी एक विभाग या सरकार की नहीं है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र की नीति है। इससे देश में ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान कांग्रेस में बसपा विधायकों के विलय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। इसमें विधायकों के मामले में अगली सुनवाई से पहले जवाब मांगा गया है। दूर संचार विभाग के तहत स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए 1 मार्च से बोरियां लगाई जाएंगी। ये स्पेक्ट्रम की नीलामी 6ठे दौर की होगी। इसमें 3.92 लाख करोड़ रुपए की रेडियो तरंगों के लिए बोरियां लगेंगी। इसके लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। बीजेपी ने यूपी पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश में 6 प्रभारी नियुक्त किए हैं। इनमें जेपीएस राठौर को पश्चिमी यूपी, गोविंद शुक्ला को प्रदेश मुख्यालय, अश्विनी त्यागी को ब्रज, अमरपाल मौर्य को अवध, सुब्रत पाठक को काशी, अनूप गुप्ता को गोरखपुर, प्रियंका रावत को कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की कमान सौंपी गई है। अमेरिकी सेना ने भारतीय मूल के डॉक्टर राज अय्यर को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है। अमेरिकी सेना में इस पद पर पहुंचने वाले डॉक्टर राज पहले भारतीय मूल के अधिकारी हैं। ये पद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने जुलाई 2020 में सृजित किया था। छोटे और मझोले खुदरा कारोबारियों की संस्था फेडरेशन ऑफ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पीएम मोदी से अपील की है। इसमें कहा गया है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के कानून में संशोधन प्रस्तावित हैं। वो मांग पीएम से करते हैं कि ये प्रस्ताव वापस लिए जाएं। यूपी की बिजनौर पुलिस की बाइक चोरी और लूट करने वाले गिरोह से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने बदमाशों की निशानदेही पर 9 बाइक, 5 मोबाइल और 2 तमंचे बरामद किए हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में हथियारबंद लुटेरों ने श्याम बिहारी सर्राफा बाजार में सुरेश सोनी की दुकान में दिन दहाड़े लूट की। लुटेरों ने असलहों के बल पर दुकान से 80 लाख रुपए के आभूषण और नकदी लूट ली। इसके बाद खुलेआम असलहे लहराते हुए फरार हो गए। यूपी में CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन चलाने वालों ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इसके लिए राष्ट्रीय जस्टिस पार्टी के नाम से निर्वाचन आयोग में आवेदन किया गया है। इसकी कमान पूर्व सांसद इलियास आजमी को सौंपी गई है। ये पार्टी आगामी 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा रही है। केंद्र सरकार टैक्स के बहाने जनता से पैसा वसूलने का काम कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में कोरोना महामारी को लेकर चर्चा की गई है। संघ के सह सरकारवाहक कृष्ण गोपाल ने कहा कि कोरोना काल में स्वयंसेवक लोगों की मदद के लिए हर गांव में लगे रहे। इस दौरान उन्होंने बच्चों को पढ़ाने पर भी फोकस किया है। बिहार की नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का 14 जनवरी के बाद विस्तार हो सकता है। इसी को लेकर बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव बिहार पहुंचे हैं। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस दौरान मंत्रियों की संख्या को लेकर चर्चा हुई। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाओं के बीच पूर्व सीएम मांझी ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। मांझी ने सीएम नीतीश से मांग की है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनकी पार्टी के कोटे से 1 मंत्री बनाया जाए। फिलहाल नीतीश ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। जनता की रखवाली और हिफाजत करने वाली पुलिस चोरी करने लगे तो जनता क्या करेगी। ऐसा ही एक मामला पंजाब के मोगा में सामने आया है, जहां पुलिस ने चोरी की 8 बाइक के साथ एक सिपाही गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। वो फरीदकोट में तैनात था। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी बदायूं पहुंची। उन्होंने पहले SSP के साथ बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ऐसी घटनाओं के सख्त खिलाफ हैं। हमें विश्वास है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अमिताभ की आवाज वाली कोविड कॉलर ट्यून हटाने की मांग की गई है। बता दें कि फोन करने पर कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कॉलर ट्यून सुनाई देती है, जिसमें अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लव जिहाद को रोकने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राज्यपाल ने 11 अन्य अध्यादेशों को एक साथ मंजूरी दी है। अध्यादेश में बलपूर्वक या लालच देकर धर्मांतरण कराने पर 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक खत्म हो गई है। इसके बाद संघ के सह सरकारवाह कृष्ण गोपाल ने बताया कि कृषि के कानूनों को लेकर संघ की बैठक में चर्चा की गई। वो किसानों से अपील करते हैं कि किसानों को सरकार के साथ चर्चा करनी चाहिए, ताकि समाधान निकल सके।
टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बदायूं कांड के बहाने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी में महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बंगाल में आकर बीजेपी नेता इसी मुद्दे पर सवाल खड़ा करके विवाद करते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राजनीतिक संन्यास पर बड़ा बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि वो राजनीति करने के लिए दिल्ली नहीं जा रहे हैं, ना ही आराम कर रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान जो भी फैसला करेगी उन्हें मंजूर होगा। केरल सरकार ने कोरोना काल में वापस आने वाले अप्रवासी केरल वासियों के आंकड़े जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि मई 2020 से 4 जनवरी 2021 तक 8,43,000 मलयाली लोग विदेश से केरल आए हैं। इनमें से करीब 5,52,000 लोगों की नौकरी जा चुकी है। इनमें एक महीने में 1,40,000 लोगों की नौकरी गई है। मैनपुरी में आप कार्यकर्ताओं ने बदायूं की घटना को लेकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है। जिला अध्यक्ष अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि घटना की निंदा करते हैं, पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। मुरादनगर के बाद मैनपुरी में भी दीवार गिरने की घटना सामने आई है। दीवार का निर्माण करा रहे डॉक्टर एसएन ने आरोप लगाया है कि उन्होंने श्याम ट्रेडर्स से प्रिज्म सीमेंट खरीदा था। ट्रेडर्स ने घटिया सीमेंट बेच दिया। वहीं श्याम ट्रेडर्स के मालिक ने कहा कि गुणवत्ता पर उठाए जा रहे सवाल पूरी तरह से बेबुनियाद है। रामपुर में झोला छाप डॉक्टरों पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। ACMO राकेश चंद्रा ने बताया है कि पिछले 2 सालों में अब तक 108 मामलों में FIR दर्ज की गई है। आए दिन झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही के चलते लोगों की जान जाती है। बिजनौर में सभासद के पुत्र का चालान काटने को लेकर सभासदों ने धरना दिया। सभासदों से मांग की गई है कि शिव मंदिर चौक से धामपुर चौराहे तक वाहन चेकिंग ना की जाए। इस पर प्रभारी निरीक्षक ने अकारण चालान ना काटे जाने का भरोसा दिलाया। डीएम रमाकांत पांडे ने जनवरी 2021 तक संपन्न हुए राजस्व और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि 12 और 19 जनवरी को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। वहीं 21 जनवरी को थाना हीमपुर का निरीक्षण होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच का पहला दिन कंगारुओं के नाम रहा। पुकोवस्की के बाद लावुसेन ने भी अर्धशतक लगाया। दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए हैं। बता दें कि बारिश के कारण कुछ देर का खेल बाधित रहा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।